अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए समिति के सदस्य हेमंत राजवैद्य ने बताया कि अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रतियोगिता का 44वां संस्करण इस बार 15 जून से 21 जून तक चलेगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता मंडी के पड्डल मैदान में खेली जाएगी और इस प्रतियोगिता में देश भर से कई नामी गिरामी फुटबॉल टीमें हिस्सा लेंगी। हेमंत राजवैद्य ने बताया कि पिछले साल की विजेता सीमा सुरक्षा बल की टीम इस बार भी एक्शन में नजर आएगी और इस मेगा आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका आयोजन पड्डल मैदान में 15 जून से 21 जून तक किया जा रहा है, उसके बाबत हमारे जो चेयरमैन हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, उनके साथ सारे सदस्यों की एक बैठक हुई जिसमें इस टूर्नामेंट को किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा उसकी रूपरेखा तैयार करने के बारे में ये बैठक हुई। ऑल इंडिया हॉट वेदर टूर्नामेंट पिछले 43 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इस बार ये 44वां है और इसमें सारे देश भर से 10-12 टीमें इसमें भाग लेती हैं। वैसे तो आवेदन हमारे पास इस वक्त करीबन 20 टीमों के आगे हैं, लेकिन हमें ये निर्णय करेंगे कि करीबन 10 और 12 के बीच जो टीमें जो हैं इस टूर्नामेंट में भाग लें ताकि इस हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट को जो है वो कामयाब बनाया जाए। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य होता है कि हमारे खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और जो बाहर से टीमें आती हैं उनके साथ खेल के एक्सपोजर मिलता है, और क्योंकि इसमें बहुत नामी जो टीमें हैं वो देश भर से आती हैं, इसलिए हर खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।